subscribe and press the bell icon for more updates. शिवरात्रि में बहुत ही एक भांडा फूटा है, मुझे पता चल गया है कि मंदिर अभी तक मुझे उल्लू बना रही थी और मुझसे झूठ बोल रही थी। तो यही एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ है कि मुझे पता चल जाता है और फिर मैं कैसे उसे कन्फ्रंट करती हूँ और फिर मतलब मैं बहुत परेशान हूँ कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी सबके साथ इतनी बुरी तरीके से पेश आ चुकी हूँ। मैंने विजय को बोल दिया है कि मुझे तो जाना है, मुझे तो रहना ही नहीं है और ये वो, तो अब वही डिलेमा में है बिल्कुल फिलहाल, इसलिए वो इतनी परेशान है। ओके, बहुत कुछ खरी खोटी भी सुनाई है बुलबुल को आपने, तो क्या कुछ चल रहा है? खरी खोटी नहीं, बस मैंने उसको यही बोला है जो कि मतलब अभी तुम्हारा सब कुछ हो गया, अब तुम छोड़ के चली जाओ फाइनली विजय को, ताकि विजय मुझे वापस मिल जाए। तो जो इतना मैंने प्लानिंग वगैरह की थी, तो मैं बहुत थक चुकी हूँ प्लानिंग करके, तो मैं कहती हूँ एक ही बार तुम चली जाओ ताकि मेरा भी टेंशन ख़त्म हो जाए। बट मैं गुंडे उंडे बुलाती हूँ इसको ले जाने के लिए, उतने में विजय आ जाता है। तो विजय के सामने एकदम मैं सडनली ऐसे बिहेव करती हूँ जैसे पता नहीं क्यों ये कैसे हो गया। तो विजय भी मुझे सुनाता है कि मैं अब तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं कर सकता एंड ऑल। तो मैं बहुत गुस्से से वहाँ से निकल जाती हूँ। विजय क्या करेगा, क्योंकि अब सच्चाई तो मंदिरा की पता ही है, सुना भी दिया है, तो क्या कुछ नहीं उसको बहुत ऑब्वियसली मंदिरा पे शक तो था ही, उसको यकीन हो गया। लेकिन बुलबुल ने ऐसा किया, चाहे जो भी हो, बहकावे में आके किया हो या जो भी किया हो, उसने पूरा हमारी फैमिली को बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, सबके दिल तोड़ दिए। तो ये बहुत ही हर्ट हुआ विजय इस बात से। और कुछ टाइम से विजय बुलबुल को मनाने की कोशिश कर रहा था, अब शायद बुलबुल विजय को मनाने की कोशिश करेगी और मंदिरा दोबारा बीच में आने की कोशिश करेगी। मंदिरा की प्लानिंग प्लॉटिंग चलती रहेगी, पता नहीं मैं जैसे राइटर को मन करेगा कि अभी मैं मंदिरा को कुछ सोचता है तो लिखेंगे, तो लगेगा अभी नॉर्मल रहना है तो नॉर्मल। थैंक यू।